गुड इवनिंग फ्रेंड्स दोस्तों मेरा नाम प्रेम कुमार और फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स की वंडरफुल दुनिया में पिछले तीन साल से एंजॉय कर रहा हूं मैं सबसे पहले अपने ईश्वर को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे इस धरती पर भेजा और मैं अपने माँ बाप को प्रणाम करता हूं जिन्होंने मुझे जन्म दिया और एक अच्छे संस्कार दिए कि मैं और सही और गलत का एक अच्छा फैसला कर सकूं। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव गॉड द ग्लोरी आई वॉन्ट टू थैंक माई पेरेंट्स फॉर गिविंग मई लाइफ एंड आई एम सो हैप्पी टू बी हेयर दिस इवनिंग मैं उसके बाद सबसे बड़ा शुक्रिया एफ एल पी इंडिया मैनेजमेंट का करता हूं कि इस तीन साल के अंदर जो इंसान तीन साल पहले रोड पे भटकता हुआ एक

स्टोरी को आपके सामने रखूं, मैं आपको उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि वो एक ये स्टोरी उस गरीब इंसान उस गरीब व्यक्ति उस गरीब व्यक्ति के लिए जो गरीब घर में जन्म तो जरूर लेता है लेकिन उनके सपने बहुत बड़े होते हैं और उन्हें एक अच्छे अवसर की तलाश होती है मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं दोस्तों फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आकर के उनकी तलाश खत्म हो जाती है I want to 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 tell my story this evening, especially to encourage the ones who have come come from poor background, to let you you know that when Forever, you forever. your life changes and transforms forever. Yeah. गरीब घर में जन्म तो जरूर लिया लेकिन बचपन से कहावत सुनता आ रहा था गरीब घर में जन्म लेना कोई पाप नहीं है लेकिन गरीब घर में मर जाना ये महापाप childhood, born born in a, I was born in a a I I was very poor family and I had this uh, feeling uh, आपका कावत फिर से बोलना पड़ेगा आपको जन्म लेना कोई पाप नहीं है being born लेकिन गरीब घर गर में गर मरना ये no, yeah. really yeah. एक महापाप है बात और कहना चाहता हूँ friends अगर एक इंसान अपनी घर से यह सोच करके निकले कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना हो मायने नहीं करता वो कितना एजुकेशन एजुकेटेड हो मायने नहीं करता वो किस कास्ट से हो मायने नहीं करता उसकी हाइट कितनी हो मायने ये नहीं करता वो कहाँ से बिलोंग करता हो अगर वो इंसान कामयाब होने के लिए घर से बाहर निकले वो एक अफसर की तलाश में रहता है और फॉर एवर वो अपॉर्चुनिटी है जहां पे ये अफसर मिलते ही उस इंसान की जिंदगी बदल जाती है दस नॉट मैटर फ्रॉम वेयर यू कम फ्रॉम बैकग्राउंड यू कम इफ आर पुअर एंड जस्ट कमिंग आउट ऑन डेली बेसिस नाम प्रेम कुमार और मैं एक्चुअली बिहार से बिलोंग करता हूँ बिहार सुल्तानगंज से आज हिंदुस्तान में वो श्रावण मेला में काफ़ी फेमस होता है श्रावणी मेला के समय और सुल्तानगंज के एक छोटे से गांव से हूँ और मेरे पिताजी एक सिंपल किसान है और आज भी वो किसान है और हम लोगों को पढ़ाने के लिए उन्होंने खेती कर करके और कुदाल चला करके खेत में धान उपजा करके हम लोगों को उन्होंने पढ़ाया है आई कम फ्रॉम स्मॉल इज अ फार्मर वी पुअर बट he's struggled his life in the uh, in the fields and he's grown those uh, uh, farm vegetables and pulses but he's helped us to grow and he's taken care of us dosto main ek aise ghar se hu shayad main aapko aaj bata raha hu is stage par ki agar बिहार में अक्सर कोसी की बाढ़ आती है और बारिश भी काफ़ी होती है मैं वो इंसान हूँ मैं जिस घर से था कोसी के बाढ़ में हमारे घर का सारा सामान और सारा अनाज एक समय ऐसा आया था कि हमारे घर से सारा सामान खत्म हो चुका था बाढ़ में निकल चुका था आई कम फ्रॉम एवरी गॉश्ड वेड दोस्तों मेरे पिताजी एजुकेशन पे बिलीव करते थे लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए अपनी जमीन तक बेच दिए और किसी तरीके से हम लोग पढ़ाई करके मेरे फादर ने मुझे बारहवीं तक पास कराया माय फादर बिलीव्ड इन सेंडिंग सेलिंग गुड एडुकेशन द एक्सटेंट ऑफ सेलिंग एवरीथिंग देट ई है दोस्तों मैं गरीब घर से तो था लेकिन हमेशा मेरे मन में एक तमन्ना रहती थी कि मैं किसी भी तरीके से अपने घर की स्थिति को चेंज करूं किसी भी तरीके से अपने घर की स्थिति को बदलूं। मैंने अक्सर कुछ किताबें पढ़ता था और उस किताब में मैंने एक बात लिखा हुआ था गॉड जिस इंसान को चैलेंज देता है गॉड वास्तविक में उस इंसान को परेशान करना नहीं चाहता बल्कि वो चैलेंज इसलिए देता है कि चैलेंज गॉड जानता है कि यह इंसान उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए कैपेबल है और पूरी दुनिया को उससे एक मैसेज दिया जाता है आई लॉस्ट इट फिर से एक बार शुरुआत बोल दो बाल दो बोल दूंगा गॉड uh, गॉड हर इंसान को एक चैलेंज देता है गॉड गिव्स एवरी ह्यूमन बीइंग अ चैलेंज वो इसलिए चैलेंज देता नहीं है कि वो आपको परेशान करना चाहता ही does not give you the challenge that he wants to harass you or trouble you बल्कि वो आपको मानता है कि आप उस चैलेंज के कैपेबिलिटी हो आपके अंदर उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की ताकत है बट ही नोज यू हैव द पावर द एबिलिटी टू ओवरकम द चैलेंज। और गॉड आपके माध्यम से उस इंसान को पूरी दुनिया को एक मैसेज देना चाहता है God, yours, या। मैंने एक ठोस निर्णय लिया कि प्रेम अगर तेरी भी घर में इतनी प्रॉब्लम है अगर तेरी भी फैमिली के साथ इतनी प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं गॉड तेरे लिए कुछ कामयाबी बना के रखी हुई है यस आई टूक अ डिसीजन दैट इफ यू हैव सो मच प्रॉब्लम मे बी गॉड हैज गॉट अ पर्पस फॉर योर लाइफ एंड समवेयर ही विल मेक इट फॉर यू राइट या दोस्तों एक बार काफी स्थिति खराब हो जाने की वजह से हमारे घर की स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई और मैं अपने मम्मी पापा को बोल करके ये घर से बाहर निकला कि पापा

रांची में रहने के कोई स्थान नहीं थे और दोस्तों मैं चौदह दिन तक रांची रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिताया। बितायाम टू दिस टाउन रांची एंड फॉर फोर्टीन डेज आई डेंट है प्लेटफॉर्म ऑफ द रेलवे स्टेशन दोस्तों मैं 10 रुपए के एक ढाबा में खाना खाने जाता था और हमेशा कुछ लोगों को जब मैं देखता था

लाइटर कुछ वगैरह सामान मैं घर घर जाकर सामान बेचना स्टार्ट किया और एक दिन में बीस रुपए चालीस रुपए पचास रुपए का कमीशन मुझे मिलना स्टार्ट हुआ। I in a day. और दोस्तों इस तरीके से मैंने धीरे 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 मार्केटिंग का कुछ अनुभव प्राप्त किया और जब हमारे कुछ ग्रुप बने चार पांच आठ दस लोगों का एक ग्रुप बना और बाद में जब मैं मार्केटिंग का अनुभव लिया तो आठ दस लोगों को मिलकर मैंने एक डोर डोर टू सेल्स कंपनी का निर्माण किया एंड आई मेट फ्यू मोर सेल्स पीपल टुगेदर वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर लेकिन मुझे जो चाहिए था वो अभी भी मिला नहीं था बट व्हाट आई वाज सीकिंग नॉट स्टिल गॉट और मैं एक अच्छे अवसर की तलाश में रहता था एंड आई वॉज ऑलवेज ऑन गुड अपॉर्चुनिटी और हमारे वो दिन भी आए जब एक व्यक्ति ने मुझे इस लिविंग से परिचय कराया वो मिस्टर रविकांत प्रसाद में चाहता हूं एक बार सर दो तालियां उनके लिए क्लैपिंग प्लीज मिस्टर रविकांत गेव मी एन ऑपॉर्चुनिटी मैंने Forever Living के प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए मेरे फादर की हेल्थ डाउन हो गई थी इस वजह से घरेलू स्थिति की वजह से और मैं अपने फादर को कुछ प्रोडक्ट्स दिए और दो से तीन महीने के अंदर मेरे फादर को एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया आई यूज द प्रोडक्ट्स फॉर माई फादर बिकॉज माई फादर इज नॉट और दोस्तों जब मेरे फादर को रिजल्ट आया तो मेरे कुछ फैमिली कुछ ने मुझसे प्रोडक्ट की डिमांड किए और मैं इस विश्वास पर प्रोर्ट देना कि अगर मेरे पिताजी को प्रोडक्ट ने ठीक किया है तो दुनिया के हर पिताजी को ठीक करेगा। जब मैंने कुछ फैमिली में प्रोडक्ट दिए तो उसके अगले महीने हमारा एक छोटा सा चेक आया

क्योंकि मैं मार्केटिंग कुछ दिनों से कर रहा था डोर टू डोर सेल्स -डो -डो और पचास से सौ रुपए की मेरी पर डे की इनकम थी वो सेल्स करते करते तो आठ बजे से लेकर रात के दस बजे तक मैंने इस कंपनी का प्रोडक्ट प्रोफाइल और मार्केटिंग प्लान पी वन पी टू पी थ्री गॉट हेल्प ऑफ दिस अपलाइन दिस 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 मास्टर दैट आई आई लुक्ड अप टू एंड लर्न एंटायर मार्केटिंग प्लान आई विद हिम और मैंने रात में डिसाइड किया कि सर अब ये प्रेम कुमार अपनी जिंदगी में सिर्फ कामयाब होगा और आगे बढ़ेगा तो फॉर एवर लिविंग माध्यम से और पीछे नहीं करेगा कोई काम नहीं करेगा जैसे ही मैंने काम करना स्टार्ट किया और मैं जैसे ही कुछ व्यक्ति के पास में गए वो व्यक्ति मैं उनको P1, P2, P3 की नॉलेज दे रहा था अब हम लोग जानते हैं कि काम करते वक्त चैलेंजेस आते हैं जैसे मैंने पी वन पी टी थ्री को नॉलेज दे ही रहा था मैं न्यू था वो व्यक्ति बोलता है बेटा तेरी उम्र कितनी है? मैंने कहा बीस साल बोला बेटा तेरी जितनी उम्र नहीं है मैं उतनी कंपनी ही चेंज that many

और दोस्तों मैं आज आपको भी एक मैसेज देना चाहता हूं अगर दुनिया का कोई भी इंसान अगर दुनिया की एक बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए अपने घर से बाहर निकलेगा फाइनली वो फॉर लिविंग प्रोडक्ट्स के दरवाजे पर जरूर आएगा वर्ल्डिजुअल डिसम्स आउट ऑफ इज होम एन सच एस विल कम फाइनली टू दिविंग प्रोडक्ट बिकॉज दैट्स बेस्ट बिजनेस यू कैन एवर थिंक ऑफ मैंने अपने ट्रेनिंग्स को बढ़ाया क्योंकि जब हमारे बीच चैलेंजेस आते हैं तो उस चैलेंजेस को खत्म करने के हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है वो है हमारी ट्रेनिंग्स मैंने ट्रेनिंग्स मैंने कंटिन्यू अटेंड करना स्टार्ट किया और ट्रेनिंग की वजह से मैं धीरे 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 काम करना स्टार्ट किया और ट्रेनिंग हमारे गुरुओं के गुरु महागुरु और उनके इंडिया में बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग और वर्कशॉप चलती है और मैंने उसमें जाना स्टार्ट किया वो शख्स कोई और नहीं मिस्टर आनंद गांधी सर का ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया I started attending trainings because trainings makes a big difference in your business, especially with Forever. So I started attending trainings uh, of my great uh, mentor, whom I look up to, Mr. Anand Gandhi. And I was, uh, I started attending more and more of his trainings and started learning more about the business from him. उनकी training में मुझे एक बात समझने को मिल गई कि उनकी training से मुझे एक बात समझने को मिली कि दोस्तों मंजिल तो मिल ही जाएगी।

ग्रुप में सर हमेशा एक मैसेज देते थे कि प्रेम अगर आगे तक जाना है ना तो आपको तो खुद एक आनंद गांधी बनना होगा और मैंने खुद अपनी टीम को ट्रेनिंग और वर्कशॉप लेना स्टार्ट कर दिया और दोस्तों में अगर काम करते 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 finally, काफी चैलेंजेस आए छह महीने के बाद फाइनली मैं इस कंपनी में मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया और तीन सौ रुपए से मेरी पहली इनकम चौहत्तर हजार रुपया हमारे घर में आया पहला इनकम मैनेजर wow. का। आई बिकेमेजर एंड फ्रॉम द्री हंड्रेड रुपी और चेक आई गोट ए चेक ऑफ क्लोज टू अबाउट सेवेंटी फोर थाउजेंड क्लोज अबाउट सेवेंटी फोर थाउजेंड रुपीज सेवेंटी फोर थाउजेंड या और दोस्तों मैंने यहां से रुका नहीं क्योंकि वास्तविक में ना अब एक चिंगारी आग ली थी और वो चिंगारी आग लेने के बाद एक ज्वालामुखी में बदली और धीरे धीरे वो भड़कता गया और पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी बदल गई थ्रू दैट बिग फायर टूडे दोस्तों मैं मैनेजर बना, manager किया ईगल मैनेजर क्वालिफाई करके अभी मैक्सिको कैंकुन का मौका मिला और कार प्लान अचीव किया मिलीनियर्स क्लब अचीव किए और फाइनली फॉर लिविंग प्रोट की सबसे बड़ी बोनस जो आज हिंदुस्तान के लिए एक सौभाग्य की बात है कि मैं भी चेयरमैन बोनस लेकर सिंगापुर गया और मिस्टर रैक्स मॉन और ग्रेग मॉन के हाथों तो चार लाख रुपए का चेयरमैन बोनस wow, मिला। और करता गया करता गया टीम बनाते गए टीम हमारा काम करता गया और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह रही कि सिर्फ मैं ही नहीं मैंने एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया था फॉर रेलवे प्लेटफॉर्म पर और वो इंसान मुंबई कमाने के लिए आ रहा था वो इंसान टेंथ पास नहीं था मैट्रिक किया हुआ नहीं था मैंने उस व्यक्ति को रेलवे प्लेटफॉर्म पर फॉरवर ज्वाइन कराया काम करने मुंबई आ रहा था

और दोस्तों फाइनली ये हुआ कि मैं आज अगर पर मंथ इनकम की बात करूं दोस्तों तो मैं आज इस कंपनी से अप्रोक्स तीन लाख रुपए पर मंथ एवरेज इनकम ले रहा हूं अगर लाख रुपीज थ्री लाख इंडियन रुपीज एवरी मंथ ऑन एन एवरेज फ्रॉम फॉर एवर टोटल इनकम की बात करूं फ्रेंड्स तो जुलाई 2012 से लेके अगस्त 2015 तक इस कंपनी से चौवन लाख रुपया इस कंपनी से मैं इनकम कर चुका हूं टॉक अबाउट माय टोटल इनकम मेनी टोटल फिफ्टी फोर लैक्स यू फिफ्टी फोर लैक रुपीज इज ऑन सो फॉर डोंट सी यूर है और खुशी की बात तब रही दोस्तों जब मैं पढ़ाई के दौरान मेरे फादर ने जो जमीन बेची थी मैं उसका चार गुना ज्यादा जमीन अपने फादर को खरीद कर गिफ्ट कर दिया द बेस्ट पार्ट फादर लैंड लैंड फॉर स्टडीज आई आई बॉट हिम डबल दैट एंड एंड ये पावर था दोस्तों फॉर एवर लिविंग अपॉर्चुनिटी की और मैं आज इस स्टेज पे एक बात बोलता हूं फ्रेंड्स कि मैं आज अकेले इस अचीवमेंट में नहीं हूं हमारे ग्रुप में 20 से ज्यादा मैनेजर हैं जो इस कंपनी से मैनेजर लेवल पे हैं और पचास हजार से लेके दो लाख रुपए पर, पर मंथ की एवरेज इनकम ले रहे हैं और दोस्तों मैं कमिटमेंट करता हूं वादा करता हूं कि अगले साल फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट की जितनी भी अचीवमेंट है मैनेजर रिट्रीट इगल मैनेजर चेयरमैन बोनस ग्लोबल रैली में अकेले ही नहीं बल्कि पूरी टीम के साथ में उसे एंजॉय करूंगा। forever, himself, right और दोस्तों, मैं ऐसे करके आगे बढ़ा और धीरे धीरे ये जो पावर थी फॉर एवर लिविंग पर्स अपॉर्चुनिटी की पावर थी और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इस दुनिया के दो महान आत्मा का जिसका नाम है दोस्तों मिस्टर रैक्स मॉडर्ड नवाज घास वाला एक बार जोरदार तालियां सर so, ये ये वो महान आत्मा हैं जो हम जैसे आम इंसान को खास इंसान बनाने का अवसर प्राप्त करते कराते हैं और वो मौका देते हैं सर मैम मिस नवाज इंडिविजुअल्स हु गिव अस अ चांस एंड अपॉर्चुनिटी

जो हमारे गुरु हकीबुल अंसारी तस्लीम राजा सर के के शर्मा सर एंड आनंद गांधी सर सर ये आपके बिना ये संभव बिल्कुल भी नहीं था टू well. yes. uh, बस एक बात कहना चाहूंगा निगाहों निगाह से मिलाकर तो देखो निगाहें निगाहों से मिलाकर तो देखो दिल की बात बताकर तो देखो या hmm. yeah. यार फसा रहा है मेरे को <laughs> 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 बोलो सही में याद है ओके स्लोली सॉरी कदम बाय कदम हां निगाहें निगाहों से ही मिलाकर तो देखो इज आस्किंग लाइक दैट वी हैव टू सी आई टू आई ओके ओके चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो चाहत क्या होता है भाई <laughs> चाहत की बाहें या ओके इज सेइंग आसमां सिमट जाएगा तुम्हारे आगोश में चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो दिल की बात बताकर तो देखो ये फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स अगर आप निकल चुके हैं तो ये फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट आपको बिना कामयाब बनाए नहीं रुकने वाली है सो थैंक यू सर थैंक यू